जो कानून आ रहे हैं ना, ये कानून आ रहे हैं कि जमीनों को कैसे छीना जाएगा। बड़ी बड़ी यहां पर कंपनियां आएगी, चाइना के कंपटीशन में यूएसए को एक इस तरह का देश चाहिए जहां की जनसंख्या ज्यादा हो। हिंदुस्तान उन्होंने चुना, यहां की जनसंख्या ज्यादा है, एग्रीकल्चर में काम करती है, एग्रीकल्चर से उनको हटाना है, तो इसीलिए लेबर के कानून बदले गए। इसीलिए जो किसानों के जो कानून है, तीन बिल वो लेकर आए गए, एमएसपी पे कानून नहीं बना कि किसान अपनी खेती को छोड़ दे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जमीन ने यहाँ पर ठेके पे ली जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर फार्मिंग करेगी, इस जमीन में केमिकल डाल देंगे और 25 से 30 और 40 साल में इस जमीन को बंजर बनाएंगे देश की। और उनको दो फायदे होंगे, सस्ता मजदूर उनको मिलेगा और बाहर से अनाज लाके यहाँ पे कंज्यूमर को देंगे तो उनको मार्केट मिलेगी, अनाज की मार्केट मिलेगी, अनाज के लिए गोदाम बन गए, कानून आने से पहले गोदाम बन गए, तो क्या इनकी प्लान है? तो ये पूरी एक बड़ी साजिश देश की जनता के साथ में, देश के कंज्यूमर के साथ में, देश के किसान के साथ में एक रची जा रही है। हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चर था वो यहाँ का कल्चर है, वो दो ही पद्धति पे हिंदुस्तान चलता है, ऋषि और कृषि पद्धति, वही दोनों यहाँ की मजबूत है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जो बाहर के किसान जो आ रहे हैं अभी, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के किसान ट्रैक्टरों से किसान यहाँ पे आने की तैयारी कर रहे हैं। 800,000 किलोमीटर तक का किसान ट्रैक्टरों से यहाँ पे आ गया है। उन लोगों को आप हटा नहीं सकते जो अपने बीवी बच्चों के साथ में यहाँ पे आ गया, अपना घर का ताला लगा के यहाँ पे आ गया, तो उस किसानों को आप हटा नहीं सकते। सरकारों को कानून वापसी लेना पड़ेगा या किसानों पे गोली चलानी पड़ेगी। दो ही रास्ते हैं किसानों को हटा के, तीसरा रास्ता है नहीं। सरकार इन कानूनों को वापसी ले रहे, ये एक वैचारिक क्रांति है। किसान ने इन कानूनों को अपने दिल से लगा दिया है, सरकार को अपना विचार बदलना पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति है, इसको आप बंदूक से नहीं दबा सकते।